तो नमस्कार आदाब की हालचाल सतरीकाल दस योग्रतम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कमेंट्स बॉक्स में ढेर सारे मैसेजेस रहते हैं कि सर इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, कुछ मेल्स भी रहते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात बहुत बहुत सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब दो, बट ये पॉसिबल नहीं होता कि 1500-2000 कमेंट्स रिप्लाई कर पाऊँ। तो किसी ने सजेस्ट किया सर आप कमेंट्स बॉक्स का ही रिप्लाई पे एक वीडियो मंथ में क्यों नहीं बना देते। तो मैंने सोचा आइडिया अच्छा है, बना सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने आज पिक किए हैं लगभग 20 कमेंट्स, जो लकी लोग होंगे उनके मैंने कमेंट्स उठाए, जो अच्छे कमेंट्स हैं उनको भी मैंने पिक किए हैं। तो कोशिश करूंगा हर मंथ एटलीस्ट एक वीडियो तो ऐसा आए ही आए जिसमें आपके कमेंट्स बॉक्स का रिप्लाई मैं कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सोनाली सिंह का, उन्होंने पूछा है एक साइज को कितनी बार करना है बताइए भैया। इन्होंने कमेंट किया था वो थाई वाले वीडियो के ऊपर। तो सोनाली सबसे पहली बात कि हर एक साइज को आपको 3 सेट लगाने हैं। रिपीटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार में आप कितनी बार कर ले रहे हैं। अगर आप एक बार 10 बार करें तो इसको आपको 3 बार करना है, 10 + 10 + 10 यानी कि 3 सेट्स। सिंपल फंडा है, हर एक साइज को आपको 3-3 बार करना है और कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि है प्रभाती कुमारी के लिए। उन्होंने बोला सर ब्रेस्ट कम होगी ये एक्सरसाइज करने से ? इन्होंने पूछा कमेंट्स उस ब्रेस्ट वाली वर्कआउट के वीडियो से रिलेटेड। तो प्रभाती जी सबसे पहले बता दूं मैं, वो वीडियो में ब्रेस्ट कम होने वाली वर्कआउट नहीं है। उससे ब्रेस्ट आपका टोन होगा, शेप अच्छा रहेगा, बहुत सैगी है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कहीं से स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। अगर आपसे बॉडी से कोई से बोले, अगर आपसे कोई बोले कि मैं इस जगह का फैट कम करा दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब बॉडी का फैट डाउन होता है तो पूरा ओवरऑल डाउन होता है, कहीं से स्पॉट रिडक्शन वाली थ्योरी ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे आपका ब्रेस्ट टोन ज़रूर होगा, शेप अच्छा होगा, बट फैट कम नहीं होगा। ये आपके डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ डेडिकेशन, आपकी डाइट भी कैसी है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तो माया पांडे जी ने बोला है ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मैंने पहली बार देखा है सीरियसली। इन्होंने दाल चावल के न्यूट्रिशन वाली वीडियो पे कमेंट किया है। तो सबसे पहले माया पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। ऐसे वीडियो देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आगे वाले आने वाले लोगों को भी पता चले कि ऐसे वीडियो इस चैनल पर बनती है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। तो बबीता जी ने पूछा है यह लगातार कितने दिन तक करना है, और यह भी बताइए कि सुबह करें या शाम को करें। तो बबीता जी सबसे पहले बात ये कि कितने दिन तक करना है या कितने दिन तक करना है, एक्सरसाइज का कोई एज कोई टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी नहीं। तो ये गलत फहमी मत रहिए कि मुझे इतने दिन तक ही करना है। अगर आप छोड़ देंगी फिर आप जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पर चले जाएंगे। तो इसलिए 24 घंटे में से एटलीस्ट 24 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए आप, ताकि उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले, आपकी बॉडी एक्टिवेटेड फील करे, आपको दिन भर टायर्डनेस वाली फीलिंग ना हो। तो कोशिश करें एटलीस्ट 24 मिनट डेली रूटीन में लाइए ही लाइए। इसी में आपका एक सवाल और था सुबह करें शाम को करें। देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह तो आप शाम को शिफ्ट हो जाइए, बट ये मैं बताऊँ बेस्ट रिजल्ट आपको सुबह ही मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट 10 दिन में मिल रहा है सुबह, तो वो शाम में आपको शायद 20 दिन भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपका पेट खाली होता है, आपका इम्यून फास्ट काम करता है, आपकी बॉडी टायर्डनेस बिल्कुल भी फील नहीं करती। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए सुबह करने की, अगर टाइम नहीं मिल पाता शाम को भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर, जो कि है जसदीप गेरेवाल जी। उन्होंने बोला है आई हैव नी पेन कैन आई डू दिस। इन्होंने बोला था इस वीडियो के ऊपर जो कि बेली फैट के ऊपर थी। तो जसदीप जी बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ उस वाले वीडियो में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे नी पे आप पे जोर पड़े। कहीं भी मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया जोन नहीं बताया था जहाँ पे आपके नी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता, वो केवल एप्स की वर्कआउट है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नी में पेन है उस पे कहीं भी फर्क पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो बेहिचक करके उस एक्सरसाइज को आप शुरू करिए। आई होप आपको भी जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आकाशा आफरीन ने बोला है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस एक्सरसाइज को कितने मंथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए फिर से वही सवाल, कितने मंथ करना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट्स आपको एक मंथ में दिखने लगेगा, ये मैं आपको बता दूं, बट अगर आप छोड़ देंगे एक मंथ के बाद फिर आप जहां थी वहीं की वहीं चले आएंगे। तो कोशिश करिए इसको रेगुलर रखिए अपने डेली रूटीन में, एटलीस्ट 24 मिनट आप निकालो ही निकालो, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। आपकी बॉडी से आपके चेहरे से ग्लो दिखेगा अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप एक अच्छी एक्सरसाइज रिजीम फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये सवाल अब आप
मत पूछिएगा, बट कोई आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर आप पूछ सकती हैं। तो आई होप आपको भी जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की, जो कि है अनुकृति शर्मा जी, उन्होंने बोला है क्या इस एक्सरसाइज को लड़कियां भी कर सकती हैं क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये वीडियो ये इन्होंने कमेंट किया था वो थाई वाले वीडियो के ऊपर, तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था वो लड़कों के लिए ही है, स्पेशली मैंने टारगेट किया था फीमेल्स के, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से वर्कआउट थे। तो बिल्कुल करिए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, आपकी बॉडी टोन हो, आपका थाई टोन हो और आप अच्छे सिमेट्रिक में दिखें। तो आई होप आपको भी जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। समीरा अहमद 7 ने पूछा है, माशाल्लाह गुड पर्सनालिटी और एक बगल में हर्ट वाला सिंबल भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टीज भी किया शायद, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार भरे कॉम्प्लीमेंट्स जरूर दिया करें, पसंद आते हैं हम लोगों को भी। पूजा परमा ने बोला है आई लाइक यू, साथ में विंक भी मारा है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। पर कुछ हेल्दी सवाल पूछेंगे तो मेरे, अगर आप कुछ हेल्दी सवाल पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट डिपेंड करता है आपको जो चीज़ें पूछना चाहिए आप पूछ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पूजा परमा जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब बढ़ते हैं सोनाली गुप्ता के सवाल के ऊपर, सॉरी सलोनी गुप्ता के ऊपर। शुगर में ओनली टी पसंद है मुझे, मॉर्निंग होते ही टी चाहिए वरना हेड पेन होता है। समझ गया मैं इनका सवाल। तो सलोनी गुप्ता जी, अगर आपको चाय की बहुत लत है, आपसे नहीं छूट पाता है, तो चाय की जो अमाउंट है वो आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। अगर आप एक कप पीती हैं तो नेक्स्ट डे हाफ कप, उसके नेक्स्ट डे और हाफ कप, इसका अगर आप क्वांटिटी कम कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आप बिल्कुल चाय की लत आपके छूट जाएगी। तो चाय के भरोसे मत रहिए, चाय पीने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आपका जो टीथ का जो रूट है वो बहुत कमज़ोर होता है, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है चाय पीने या कॉफ़ी पीने से, तो बिल्कुल भी इसको हटाइए, ये बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। हेडक होता है तो कोशिश करिए ग्रीन टी लाइए, उसको पीजिए, वो फ़ायदेमंद है। टी का क्वांटिटी कम करिए, धीरे धीरे छूट जाएगा चाय, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि पूछा है प्रिया पानीर ने, उन्होंने बोला यू आर सो क्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कमेंट था उनका 30 मिनट्स होम वर्कआउट के ऊपर। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की, जो कि है शेखर भवानी जी, उन्होंने बोला है गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू, आई फॉरवर्ड दिस टू मैनी माई फ्रेंड्स बिकॉज दे आर रेगुलरली ड्रिंकिंग लेमन वाटर, ये कमेंट था उनका लेमन वाटर के ऊपर। तो शेखर भवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे फॉरवर्ड करिए ताकि जो लोग इस मिथ के पीछे भाग रहे हैं कि सुबह सुबह गर्म पानी नींबू से वजन कम होता है, एटलीस्ट उनको तो पता चले कि असली चीज़ें हैं क्या, कहीं वो मिथ के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। अब बढ़ते हैं कुसुम भट्टाचार्य के सवाल के ऊपर, उन्हें पूछा है, इनका सवाल था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई गेन वेट, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस 90 kg बाय इंटरमीडिएट डाइट एंड वन एक्सरसाइज एंड वीकली 5 days वॉकिंग फॉर 30 minutes, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए पहली बात 90 kg वज़न कम करना पॉसिबल नहीं है, अगर आप इतना हैवी डाइटिंग करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, आपको रिंकल्स, डार्क सर्कल, हेयर फॉल, एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कभी भी इतनी हैवी फास्टिंग मत करिए, मंथ का टारगेट रखिए कि मुझे एक मंथ में 2 से 2.5 kg कम करना है। बहुत ज़्यादा टारगेट आप सेट कर देंगे ना तो वो आपके लिए सही नहीं है, वो बॉडी आपको बाउंस बैक कर देगी, आप बीमार पड़ जाओगे, टाइफाइड हो जाएगा या पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो छोटे छोटे टारगेट रखें वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग बहुत हेल्दी चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बॉडी वेट गेन हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि ऑपरेशन हुआ कि नेचुरल डिलीवरी हुई है। तो कभी भी बहुत हाइपोथेटिकल अमाउंट मत करिए, मुझे 20 kg 50 kg एक मंथ में कम करना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो भी बिल्कुल भी मत करिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। छोटे छोटे टारगेट रखिए, मंथ में वीकली बेसिस पे 1 kg 1.5 kg मैक्सिमम 2 kg, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप आपको भी कुसुम जी जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं बुलबुल चौधरी के सवाल के ऊपर, बुलबुल तो ने बोला है वाओ सर क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू सर, इन्होंने कमेंट किया था दाल चावल वाले वीडियो के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल चौधरी जी, आपने इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट्स हमको दिया। अब बढ़ते हैं राजिया अहमद के सवाल के ऊपर, उन्होंने बोला सर ब्लैक टी शर्ट में आप बहुत प्यारे लग रहे हैं सर, तो आज मैंने ब्लैक नहीं पहना आज मैंने वाइट पहना। बहुत बहुत शुक्रिया राजिया अहमद जी ने आपने इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि है रंजनी रमनन, उन्होंने बोला वाओ सर सुपर
एक्सप्लेनेशन बाई सीन योर फेस योर वॉइस मे बी रूड बट यू आर वेरी हम्बल। उन्होंने बोला है सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, आपके फेस आपके आवाज़ लगता है बहुत रूड है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं रूड नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हूँ, अगर मुझे आप मार भी दोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना मैं पोलाइट हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि है रेखा उमर रैना ने बोला है, जब मैंने पहली बार देखा मुझे विराट कोहली लगे आप, वीडियो बहुत मस्त है, थैंक यू सो मच। ये कमेंट था 30 मिनट्स वर्कआउट के वीडियो के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार देखा विराट कोहली मैं लगा, मैं गलत जगह पे नहीं हूँ, ठीक हूँ। तो इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। विराट कोहली कहाँ है, मैं कहाँ, बहुत अंतर है, बट चेहरा थोड़ा बहुत मिलता है, सभी लोग कहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, जो कुछ चीज़ें जेनेटिक है उस पर मेरा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि है प्रियंका मोरे ने, उन्होंने बोला है यार आप इतने स्मार्ट हो, अच्छा वह क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया उन्होंने, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया। तो बस ये था छोटा सा वीडियो, आपके कमेंट्स बॉक्स का रिप्लाई, आई होप आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ मैं लाइव भी आता हूँ, आपको फ्री में डाइट चार्ट भी देता हूँ, तो इस नाम से हूँ, वहाँ जाके मुझे आप फॉलो करके डाइट चार्ट भी ले सकते हैं, और कोई सवाल कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के दिस इज योर रतन, योर फ्रेंड, योर कलीग, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।